सब्सक्राइब कीजिए स्टिचिंग बाय रंगरेज चैनल को और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिचिंग बाय रंगरेज। आज के इस वीडियो में हम 3 से 4 साल के बच्चे की पेंट की कटिंग सीखेंगे। तो उसके लिए मैंने देखे यहाँ पर कपड़े के 2 पीस लिए हुए हैं। तो इसकी सीधी साइड अंदर की तरफ है। पहले हम पेंट का मेज़रमेंट ले लेंगे। तो देखिए, इसकी लंबाई जो है 19 इंच है और हम 21 इंच की 2 इंच बड़ी पेंट बनाने वाले हैं और 2 इंच इसमें हम नीचे फोल्डिंग के लिए लेंगे, तो ये 23 इंच तैयार हो जाएगा। अब यहाँ की जो चौड़ाई है वो 6 इंच है, 1 इंच इसमें सिलाई का है मार्जिन और 1 इंच हम इसे लूज़ बनाने वाले हैं। तो 8 इंच की मैंने इसकी चौड़ाई ली है। पहले यहाँ पर कपड़े को सीधा करने के लिए एक मार्क लगा लेंगे, जो हमने मेज़रमेंट लिया था 23, उसमें से हम 1 इंच माइनस करेंगे ऊपर बेल्ट लगाने के लिए और 22 इंच पर हम यहाँ पर मार्क लगाकर इसे सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पर हम 8 इंच पर मार्क लगा लेंगे। और यहाँ पर हम इसका इस तरीके से आसन नाप लेंगे पेंट का, तो ये 8 इंच आ रहा है। अब यहाँ पर हम 8 इंच पर मार्क लगा लेंगे। अब यहाँ 1 इंच पर मार्क लगाकर इसे इस मार्क से इस तरीके से मिला लेंगे। अब यहाँ पर 2 इंच पर मार्क लगा लेंगे। अब यहाँ इसकी चौड़ाई 8 इंच है, तो यहाँ हम 4 इंच पर सारी तरफ मार्क लगा लेंगे। अब पेंट की लेंथ का मार्क लगा लेंगे, तो ऊपर से 1 इंच हम छोड़ते हुए यहाँ मार्क लगा लेंगे और इसे सीधा कर लेंगे। अब यहाँ इस तरीके से पेंट की मोहरी नापेंगे, तो 4 इंच आ रही है। इसमें 1 इंच प्लस करके 2.5 इंच इस तरफ और 2.5 इंच इस तरफ मार्क लगा लेंगे। और यहाँ पर भी हमारा 6 इंच आ रहा है, यहाँ 5 इंच, तो यहाँ 1 इंच प्लस करके 3.5 इंच इस तरफ और 3.5 इंच इस तरफ मार्क लगा लेंगे। और यहाँ पर 5 इंच था, तो यहाँ पर 1 इंच प्लस करके 3 इंच इस तरफ और 3 इंच इस तरफ पर मार्क लगा लेंगे। अब इस तरीके से पट्टी की सहायता से सारे मार्क को मिला लेंगे। अगर आपके पास ये पट्टी ना हो तो आप ऐसे भी मार्क लगा सकते हैं बिना पट्टी के, और इन मार्क को भी इसी तरीके से हम मिला लेंगे। अब यहाँ पर 1/2 इंच अंदर की तरफ मार्क लगा लेंगे और इसको इस तरीके से यहाँ तक गुलाई दे देंगे। अब यहाँ पर आसन की गुलाई दे देंगे। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने 3 से 4 साल के बच्चे की वी शेप जैकेट की कटिंग और स्टिचिंग सिखाई थी। अगर आपने उसकी वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो देखिए, ये पेंट के फ्रंट पार्ट की हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो देखिए, बैक पार्ट के लिए मैंने कपड़ा ले लिया है और इसकी चौड़ाई मैंने फ्रंट पार्ट से 2 इंच बड़ी रखी हुई है। अब हमें फ्रंट पार्ट को इस पर रख लेना है और यहाँ से जो हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग की हुई थी तिरछी, उसे इस तरीके से मार्क लगाकर सीधा कर लेना है। अब यहाँ ऊपर की तरफ 2.5 इंच पर मार्क लगा लेना है और यहाँ पर भी हमें मार्क लगा लेना है इस तरीके से। अब ऊपर वाले मार्क को इस तरीके से सीधा कर लेना है। अब यहाँ पर हमें 1 इंच पर मार्क लगाना है। इस वाले मार्क को हमें सीधा कर लेना है और यहाँ से सारे मार्क मिलाते हुए और यहाँ पर हमें गोलाई दे देना है। अब यहाँ पर हमें 1.5 इंच पर मार्क लगाना है और यहाँ पर 1.25 इंच पर और यहाँ सारी तरफ 1 इंच पर मार्क लगाना है। यहाँ हमने 1.25 इंच पर और यहाँ 1.5 इंच पर मार्क लगाया है।
अब इन सारे मार्कों को हमें मिला लेना है। और बाकी सारी तरफ हमें फ्रंट पार्ट के अकॉर्डिंग ही मार्क लगा लेना है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए बैक पार्ट की भी कटिंग हो चुकी है। अब हमें फ्रंट पार्ट को ले लेना है। अब हम पेंट की पॉकेट की कटिंग करेंगे। ये पेंट का आसन का एरिया है और यहाँ हमें पॉकेट की कटिंग करना है। तो देखिए 2.5 इंच पर हमें इसकी चौड़ाई का और 2.5 इंच पर इसकी लंबाई का मार्क लगाना है। आप चाहे तो इस तरीके से पॉकेट बना सकते हैं। मैं यहाँ पर गोलाई में बनाऊँगी, तो मैं एक बॉक्स बना लूँगी और यहाँ पर इस तरीके से गोलाई शेप देकर और इसकी कटिंग कर लूँगी। तो ये पेंट की कम्प्लीट कटिंग हो चुकी है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताऊँगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।